देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, देखो एक चीज, आप जब अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो देर शुड बी अ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू नीड टू और हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है. अगर आप बोलो तो नॉर्मल कोर्स में हम लोगों का सिलेबस 6 मंथ्स, और इस 6 मंथ्स को मैं आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता हूँ. मैं आई ट्राई और 99% चांस है कि 6 मंथ्स में हम लोग का खत्म हो जाएगा. 6 मंथ्स मीन्स ओनली 12 क्लासेज अ मंथ, क्योंकि अभी एसएससी का क्लास हो गया तो आपके पास अराउंड 72 क्लासेज हैं. अब अगर इसको बोला जाए तो हम लोग अगर अपने प्रिपरेशन में 72 डेज दे रहे हैं और वो नेशनल लेवल पे अपनी तैयारी को कंपटीशन में हम सक्सेसफुल होने की बात सोच रहे हैं, तो डोंट यू थिंक एक बहुत बड़ी चीज है ये कि हम अभी जहां पे भी हैं, जिस भी लेवल पे हैं, वहां से हम 72 डेज दे रहे हैं विद अ गैप ऑफ 1 डे, एंड आई एम परसीविंग दैट आई शुड बी अपीयरिंग द एग्जामिनेशन एंड आई विल बी क्वालिफाइंग दैट एग्जामिनेशन इरिस्पेक्टिव व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स सिट विद यू. किस तरह के स्टूडेंट आपके साथ बैठते हैं उनसे एकदम किनारे करके आपका सक्सेसफुल होना क्वाइट अ ह्यूज टास्क मेरे हिसाब से. एंड दैट इज व्हाई देयर हैज टू बी अ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ द वे यू शुड मेक अ प्रोग्रेस, कैसे आपको तैयारी करनी है. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट सिंस द बिगिनिंग हम लोगों ने जो भी पढ़ाई की है उसका असर आपके पेपर पे इसीलिए नहीं दिखाई पड़ता, पर्टिकुलरली इन लैंग्वेज, दैट हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं है. कभी भी हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ, कारण कि हमको नहीं बताया गया कि एक्चुअली लैंग्वेज का बेसिक्स होता क्या है. व्हाट वी आर टॉक्ड अबाउट, वी सेड द पीपल टोल्ड यू दैट यू नीड टू डू वोकैबुलरी, तुम्हें वर्ड पावर बढ़ाना है, और उन्होंने नहीं बताया कि वर्ड्स के साथ 2-3 परेशानियां हैं. आज याद करोगे शाम से गायब होना शुरू हो जाएगा, 2 या 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा वो. पहली चीज वर्ड का टिपिकल प्रॉब्लम. सेकंड वन कि वर्ड आपके इंग्लिश लैंग्वेज में एक नॉर्मल हिसाब से 20 लाख है और कोई सिलेबस नहीं है, कहां से पूछूंगा मैं. अब एक तरफ आपका भूल रहा है और ऊपर से 20 लाख वर्ड है, आप रोज हर दिन 100, 150, 200 वर्ड याद नहीं कर सकते हो. तो अभी तक अगर आपने वर्ड मीनिंग को ट्राई किया है तो व्हाट इज फाइंडिंग कि जो आपने वर्ड याद भी किया ना उसमें से अगर कुछ टिका हुआ भी है तो आपके क्वेश्चन में वो मिलता नहीं है, जो मिलते हैं वो नए वर्ड्स मिलते हैं. अब अगर इसको हम बेसिक्स मान लें तो ये तो जिंदगी भर मजबूत नहीं होना है, लाइफ लॉन्ग. बी वेरी श्योर, आई हैव नेवर फाउंड अ पर्सन जिसको लगा हो कि उसको सारा वर्ड पता है डिक्शनरी का, कोई नहीं है ऐसे दुनिया में. मैं भी नहीं हूं, थोड़ा बहुत होगा, आप लोगों से थोड़ा ज्यादा होगा, बट आई कैन से कि मेरे को सारा वर्ड पता है. ऊपर से आपको बेसिक्स में बताया गया दैट यू नीड टू स्टडी ग्रामर, फाइन ग्रामर पढ़ने का है, लेकिन ग्रामर का क्या ताहे ती है, क्योंकि हम लोगों में से मेजॉरिटी हिंदी मीडियम की बैठी हुई है, तो वो ट्रांसलेशन छोटा छोटा वाला डज इट क्वालिफाई टू बी द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. वह पढ़ाता आ रहा है, मेरे द्वारा जाया गया, खाया गया, लाइक दैट, वो बेसिक्स में नहीं आता सर. लैंग्वेज का बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होता है. आपके पास एक लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, आपके पास उस हिंदी लैंग्वेज में जो पढ़ते हो क्वेश्चन दिया जाए बना दो, कंप्रिहेंशन बना दोगे ना हिंदी लैंग्वेज का, बना दोगे ना. डू यू नो ग्रामर, ग्रामर तुमको पता है हिंदी का, क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है. मैंने आपसे पूछा कि टेंस का वर्तमान काल का 4 भेद होता है, नाम भी नहीं पता होगा. तो फिर अगर हमको बताया गया कि लैंग्वेज के लिए ग्रामर होना चाहिए तो हिंदी लैंग्वेज में ये कहां है, ये आपने कब किया. प्रॉब्लम ना,
कि हम लोग का एक एक ऑसिफिकेशन होता है. अब देखो एक एक वर्ड आया मेरे दिमाग में, रैंडमली आ गया. एनी वन ऑफ यू हु नोज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? नहीं होगा, क्योंकि ये थर्ड लेवल का वर्ड है. थर्ड लेवल का वर्ड मतलब एक बचपन वाला, ईट प्ले ड्रिंक वाला, एक थोड़ा सा ऊपर में इनडिफरेंट, ग्लूमी इत्यादि इत्यादि वाला, वहां तक होगा. इस लेवल तक वर्ड पहुंचने के लिए यू नीड टू वर्क आउट वेरी सीरियसली फॉर नंबर ऑफ इयर्स. ठीक है, चलो. ऑसिफिकेशन का मतलब होता है वो सीमेंट की तरह जड़ हो जाना, हिलेगा नहीं, जड़ हो जाना. जड़ समझते हो हिंदी में ना, एकदम उसमें कोई लचीलापन नहीं है. और हमारे लैंग्वेज को जड़ बना दिया गया, लचीलापन खत्म कर दिया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन. हमको, अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों, जरा सोचना, मैं आपको एक रिएक्शन बोल रहा हूं, जब तक ये दोनों छोड़ोगे नहीं तुम्हारी अंग्रेजी ठीक नहीं होगी. अगर मैं बोलूं तो आपका सीधा असर पड़ेगा कि ये दोनों छोड़ने के बाद अंग्रेजी ठीक कैसे होगी. आपका सीधा असर पड़ेगा, आप सीधा बोलोगे. और मुझे लगता है कि दीज टू आर सॉर्ट ऑफ एनिमी फॉर द बिगिनर्स. शुरुआती के बच्चों के लिए ये दुश्मन है, दोनों दुश्मन. अगर बच्चा अंग्रेजी सीखना शुरू करे और उसको यहां और यहां फंसा दो ना, ये जन्म तो निकल ही जाएगा नॉर्मल में. अब अगले जन्म में देखते हैं एसएससी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जन्म तो निकल जाएगा. दैट इज वाई फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से, ओनली फ्रॉम अभी से ही, फिलहाल इन दोनों को बंद किया जाए फॉर द टाइमिंग, और अपने इंग्लिश पे वर्कआउट किया जाए. इंग्लिश पे, नॉट ग्रामर पे, नॉट वोकैबुलरी पे, अंग्रेजी पे काम किया जाए थोड़ी देर. ये नहीं है सर कि 6 महीना पढ़ो उसके बाद असर देखना. इफ यू टेक मेडिसिन इफेक्ट शुड बी देयर फ्रॉम द डे वन. दवाई खाओ तो पहले दिन से असर दिखाई पड़ना चाहिए. ये नहीं कि 6 महीना खाएंगे तब देखेंगे असर पड़ रहा है. इतना पेशेंस थोड़ी ही है किसी के पास. नाउ ध्यान रखना, मैंने शुरुआत में कहा था, अभी फिर बोल रहा हूं, अगर कोई लोग नए हैं, मेरे को इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए, मेरे को सोचने वाले लोग चाहिए. सोचने वाले लोग, बस मैं सोचवाता हूं, आप सोचने की कोशिश करो और देखो इंग्लिश आसान होता है कि नहीं होता है. जस्ट स्टॉप, रुकिएगा बस. जितना दूर भाई आपने पढ़ा है, आधा लाइन, एक लाइन, दो लाइन, डू यू थिंक, एक बात समझिएगा, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हिंदी में समझ में आता है वैसे भी आ रहा है? नहीं ना. कारण है, तुम सोचोगे, एक तो कोई ना कोई थॉट दिया हुआ है, और थॉट दो चीजों का होता है, समझना तुम. एक होता है थॉट कि जब पूरा पैसेज पढ़ोगे ना तो आइडिया लगेगा, और वो भी तब जब आपको समझ में आ जाए, पैसेज का थॉट. दूसरा कि सेंटेंसेस का अपना मीनिंग होता है. हाँ, एक एक सेंटेंस करके पैसेज बनेगा. अब अगर तुमने शुरू किया तो तुमको मसाला डोसा दिखाई पड़ रहा होगा, हेमा मालिनी समझ में आ रहा होगा, विविध भारती समझ में आ रहा होगा, लेकिन वो काहे को लिखा है पता ही नहीं चल रहा है. एम आई देयर सर? हिंदी मीडियम में यही परेशानी होती है. और हमको क्या बोला गया है कि इसको ट्रांसलेट करो. डेनोमिनेटर हमको मैथ्स में मिला था, ये कहां पर चला आया अंग्रेजी में डेनोमिनेटर, अब समझ में नहीं आ रहा है. गेटिंग मी? अब आपके पास दो चीजें हैं, समझिएगा. रीडिंग का दो पर्पस बनाना है. अब जानते हो, तुमको जो शुरुआत से जो एडवाइस दिया गया था, आपको क्या किया गया था, आप एक काम करो, डिक्शनरी निकालो, डेनोमिनेटर का मीनिंग देखो, उसके बाद मसाला डोसा और विविध भारती पे कंफ्यूज होकर बैठ जाओ, क्योंकि वो तो मिलेगा नहीं, वो सब जानते ही जानते हैं. वर्ड्स जब एक साथ रखे जाते हैं, अलग अलग सबका मीनिंग आ रहा है. जब ढेर सारा वर्ड एक साथ रख दिया तो क्या मीनिंग निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो तो थॉट एक्सप्रेस कर रहा है ना. एक तुमको अपने एक तरफ में अपने रीडिंग को बिना किसी हेल्प के, याद रखिएगा, नो हेल्प. अगर मैथ्स में आप बिना कैलकुलेटर के डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को, करते हैं ना, क्यों? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. तो अंग्रेजी में सबसे पहला काम करना होगा कि डिक्शनरी के बारे में याद भी करना छोड़ना होगा. डिक्शनरी बंद कीजिए,
डिक्शनरी ने निकालना है, क्योंकि उसकी अगर आदत पड़ेगी तो जिस दिन डिक्शनरी आपसे हटा लिया जाएगा ना, उस दिन सारा प्रोग्राम बंद कर दोगे। पहली चीज, एक तो कि रीडिंग का प्रॉपर हैबिट, हैबिट ये कोई, अच्छा एक चीज है, रीडिंग कभी भी साइंस नहीं है, दिस इज एन आर्ट। और मेरा अपना ओपिनियन सर, सब सुनिएगा, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मुझे अपने लाइफ में एक चीज समझ में आया कि दिस इज एन आर्ट, और आर्ट के लिए सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी होता है, थियोरी नहीं। बांसुरी बजाना सीखना है ना सर, तो किताबें बांसुरी की कैसी होती हैं मत निकालिए, बांसुरी लीजिए फूंकिए। और आप क्या सोचते हो, आप नहीं मतलब आपको बताया गया ना शुरुआत से कि ये काम करोगे तो तुमको पढ़ने आ जाएगा, 10 साल से वो काम कर रहे हो, हुआ क्या कुछ? मैं वही पूछ रहा हूं, बहुत दिन से कर रहे हो ना जिस हिसाब से आपको बताया गया, कुछ नहीं हुआ, अभी फिर से नया लग रहा है, मैं बोल रहा हूं जरा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, आर्ट है, पढ़ो, एनालाइज मत करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनालाइज मत करो, तुम्हारे तरफ से एफर्ट होना चाहिए, बस प्रयास करो। और दूसरा एक चीज, इस ये पढ़ना क्यों, क्वेश्चंस बनाने के लिए, यही ना भाई, मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, इसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज, मैं आपको क्वेश्चंस बनाना सिखाता हूं, ठीक है? अच्छा, पैसेज में ऐसा लिखा हुआ होगा क्या, पैसेज में पहला अगर तुमको एक ऐसा कहीं कंप्रिहेंशन मिले, 2 दिन पहले कासगंज में यूपी में सांप्रदायिक दंगा हुआ, अगला बिहार में धुंध छाया हुआ, अगला सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस राजधानी 12 घंटे लेट है, चौथा हमारे मोहल्ले में नाला उबल के बाहर निकल रहा है, भर गया है। एक बात समझना मैं क्यों बोल रहा हूं, पैसेज एक सिंगल थॉट के बारे में डिस्कस करेगा, ये सर नो, एक ही थॉट, मैं अभी रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी क्वेश्चन बनाने की बात कर रहा हूं। और एक याद रखिएगा सर, एसएससी वाले लोग 80% क्वेश्चन बनाने के लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्रिहेंशन के 80% क्वेश्चंस बनाने के लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचने आना चाहिए, वही सोच जो दिन भर तुम्हारे दिमाग में चलती है, वही वाली सोच, अंग्रेजी की सोच नहीं, अंग्रेजी तो वैसे भी भारी है। मैं तुमको इन बिना कंप्रिहेंशन को पढ़े हुए चारों इसका 5वां क्वेश्चन बनवाता हूं, रुकिएगा, एक बात समझो तो जरा, पैसेज का थॉट सिंगल होगा, एक ही थॉट होगा सिंगल, तो क्वेश्चंस भी एक ही थॉट से जुड़े हुए होंगे, गेटिंग? भाई अगर एक ही टॉपिक के बारे में बात किया गया है, अगर कासगंज में सांप्रदायिक दंगा के बारे में बात किया गया है, तो सारा क्वेश्चन भी तो उसी से होगा ना, अब लिखने वाला कुछ भी लिख ले, लिखने वाला अनुभवी आदमी है, लेकिन क्वेश्चन तो थीम से पूछा जाएगा ना। अभी कभी ऐसे मिलेगा कि कासगंज में कितना ए आता है उसके स्पेलिंग में, ये थोड़ी मिलेगा। अब आपको एक काम करना है, कॉम्प्रिहेंशन मिले ना तो पैसेज को पढ़ना बंद कर दो, सीधे भागो क्वेश्चंस पे। और एक चीज याद रखना कि थीम सेम है, टॉपिक एक ही रहेगा, गेटिंग? अब जरा रुकिएगा, गो थ्रू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए आप, द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द इंडियन कल्चर टूडे इज, अभी अभी नहीं है, 3-4 क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आंसर निकलेगा, बाकी क्या, इंडियन कल्चर का जो भी छोड़ दो क्या है वो, ऑप्शन नंबर ए हेमा मालिनी, विविध भारती, मसाला डोसा, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है अभी रुक जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ, टॉपिक क्या है, हेमा मालिनी, मसाला डोसा या सिंथेटिक फाइबर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होना चाहिए, दैट्स इट, आंसर सही है आपका। आपको अंतिम में यही काम करना होगा, और आपके दिमाग में यह बात जरूर होनी चाहिए कि हो सकता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन निकाले हो जिसमें आराम से बन जा रहा हो, खोजो अपने घर में क्वेश्चंस, लेकिन अभी सोचना सीखो। मैंने क्या कहा था, टॉपिक सेम होगा ना तो टॉपिक मैच करेगा, अगर यही पहले वाले हेमा मालिनी और दूसरे वाले में क्वेश्चन पूछता हेमा मालिनी इज द वाइफ ऑफ, तो आंसर हेमा मालिनी होता, भाई टॉपिक सेम होगा, गेटिंग? क्वेश्चन नंबर 2 देखा आपने, सिंथेटिक फाइबर हैज,
और उसके बाद खाली ऑप्शंस पढ़ो, आंसर अभी नहीं चाहिए. ऑलवेज पॉपुलर, बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स, नेवर बीन पॉपुलर इन इंडिया, बीन पॉपुलर. अभी रुक जाइएगा, अभी इसको रोक दीजिएगा, क्योंकि ये किसी कहीं जवाब मिल रहा है क्या कब पैसेज में? नहीं, अभी पैसेज पढ़ना पड़ेगा. मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. द लेटेस्ट सिंबल ऑफ मॉडर्निटी फॉर द रूरल पीपल इज, चार ऑप्शन पढ़ो. आंसर प्लीज, आंसर एबीसीडी डी ना? Yes, सही है. मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर. द टर्म नियो रिच मीन्स, और आपको इस टर्म का मतलब पूछ रहा है, अर्थ नियो रिच. आंसर प्लीज. सी सर, एबीसीडी में से अगर एक चुनना है तो कौन सा चुनोगे? और पूछ रहा है कि उसका अर्थ मेरे को चाहिए होगा. एबीसीडी में से कौन सा? सी ना? और आप सही हैं. एक मिनट रुकिएगा, अब लुकिए क्वेश्चन नंबर टू पे कि ये कैसे पॉपुलर हुआ है. ठीक है, अब जरा पैसेज में रीडिंग मत मारो, जरा आई बॉल घुमाओ तो कि कहीं ना कहीं तो बात किया हुआ होगा. जरा देखो तो पैसेज में. खोजो जल्दी जल्दी, खोजना है, कहीं ना कहीं तो टाइमिंग का बात किया होगा. क्या हो गया? आंसर बोलिए प्लीज. बी सही है. अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं बोलूं कि इन चार क्वेश्चन को बनाने में तुमको एक मिनट टाइम लगना चाहिए, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तुमने क्वेश्चन नंबर टू के लिए पैसेज पढ़ा या खोजा? और खोजने के लिए वर्ड मीनिंग की जरूरत है? एनी वन ऑफ यू हु नोज द मीनिंग ऑफ डिलेक्टेबल, आप में से कोई जो डिलेक्टेबल का मीनिंग बता सकते हो, पैसेज में यूज किया हुआ है, पैसेज में यूज किया हुआ है. अब अगर आप रीडिंग मारोगे तो आपके दिमाग में, चूंकि वो 10 साल का ट्रेनिंग दिया हुआ ना, खोज खोज के निकालो खराब खराब वर्ड, 10 साल से ट्रेनिंग दिया हुआ है, खराब खराब वर्ड खोज खोज के निकालो जिसका मीनिंग नहीं जानते हो. चार क्वेश्चन हो गया बनाने को, पांचवा क्वेश्चन पे जरा नजर डालो तो द टोन ऑफ द पैसेज इज. अच्छा सर एक बार बताइए, मैथ्स में क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ में आ जाता है कि ये बनेगा नहीं या ये बन जाएगा? अंग्रेजी में सारा का सारा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि गेस मारना है ना. जब बनाना हो तो ना मेहनत पड़ता है, जब गेस मारना है तो है क्या, सब बन जाएगा. अभी मेरे को दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 को जरा मैं एनालाइज करूं, और मैंने क्या बोला है, भाई मेरे को सोचने वाले लोग चाहिए, अंग्रेजी का विद्वान नहीं या अंग्रेजी का तेज आदमी नहीं चाहिए. जरा देखना, पहला पूछा कि पैसेज का टोन कैसा है, मतलब मेरे को पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा. ठीक. दूसरा कि ऑप्शन 5 में से एक वर्ड का मीनिंग आता है, 4 और 3 का तो मीनिंग आता नहीं है. ट्रेजिक का आता है, आयरोनिक, सॉम्बर, सटीरिक आता है मीनिंग, तो सर ऑप्शन का ही मीनिंग नहीं आता तो बना के करोगे क्या, बनाओगे कैसे? अब मेरे को शकल ये दिखाई पड़ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आई हैव टू गो थ्रू द इंटायर पैसेज, नंबर 1, नंबर 2 आई मस्ट नो द मीनिंग ऑफ अ फ्यू वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शंस. यस एंड बोथ आर क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट. Why shouldn't we drop the question? मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ड्रॉप क्यों नहीं किया जाए इस क्वेश्चन को. और मैं अभी आपको सोमवार पर, मैं बात परीक्षा की कर रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल की, और एग्जामिनेशन हॉल वाली चीज है बाई एंड लार्ज आपका मैथ्स और रीजनिंग में क्लास में भी होता है, अंग्रेजी में ही आंख बंद करके अंधाधुंध इसमें भी हम लोग बना लेंगे. कुछ लोग तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने बना लिया हो, गेस मारा है ना, उनसे जरा पूछ दिया जाए कि आपने जो आंसर चुना है, चाहे ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी, बाकी 3 को छाटे कैसे. और सर अगर ये चीज कि आपको अभी भी गेस एक सिस्टम है बनाने का, तो यहां बैठने की जरूरत नहीं थी. मैथ्स में कभी गेस करते हो?
नहीं करते हो ना, जिसमें बनाने आता है उसमें गेस नहीं किया जाता है, और अंग्रेजी में चूंकि बनाने नहीं आता है इसीलिए गेस करते हैं। जिस दिन बनाना सीख लोगे उस दिन आपको लगेगा कि इसको नहीं बनाना चाहिए। सर बाकी लड़का एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेगा, 5-7 मिनट टाइम लगाएगा, क्वेश्चन देखेगा, भाग भाग के फिर कॉम्प्रिहेंशन में वापस जाएगा, और इस कॉम्प्रिहेंशन को 7-8 मिनट में वो 4 क्वेश्चन को हो सकता है कि बना ले, 5वें को तो गेस ही मारेगा। 8 मिनट में तुम्हारा 1 मिनट में 4 क्वेश्चन 4-0, बात खत्म। तुम्हारा 1 मिनट में 4 क्वेश्चन बनेगा, 2 मिनट मैक्सिमम लगे, और चारों सही है, 5वां हम छोड़ेंगे। तुमको अगर एसएससी मेंस में 200 क्वेश्चन 120 मिनट में बनाने को देता है, देता ना भाई, एक बार बताओ, पर क्वेश्चन 30-40 सेकंड आपके पास टाइम है, और अगर आप 5 क्वेश्चन के लिए जिसमें आपके पास 2-2.5 मिनट टाइम था, आप अगर 8 मिनट लिए तो ये टाइम कहां से निकाल रहे हो? बाकी क्वेश्चन है ना, बाकी क्वेश्चन से निकाल रहे हो ना, तो फिर होगा क्या कि आपका टाइम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस बचे हुए रहेंगे, नहीं क्वेश्चंस बचे हुए रह जाएंगे, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। अभी लड़के को एक कॉमन एरर दिया जाता है, एरर नहीं मिल रहा है, जरा सोचो आप लोग ट्राई किए होंगे, एरर दे दिया गया नहीं मिला, उसको एक बार पढ़ेगा, दो बार पढ़ेगा, तीन बार, चार बार, पढ़ते हो नहीं पढ़ते देख लो जरा, क्या ऐसा कोई किताब है, ऐसी कोई किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि 4 बार पढ़ोगे तो एरर निकल के गिर जाएगा बाहर? कौन सा ये टेक्निक लगाए हो, वो तो फर्स्ट टाइम ही पता चल गया कि एरर नहीं मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा तो उसमें छीछा लेदर करने का मतलब, लगे हुए हैं उसमें, बना के ही छोड़ेंगे। अगर यही मैथ रहा होता तो बोल देते कि हमसे नहीं बनेगा, छोड़ के भाग जाते। और आप इसमें अगर 4 बार पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन में अगर 2 मिनट टाइम डाल रहे हो, तो आप समझो कि आप अगले वाले क्वेश्चंस का समय निकाल के यहां दे रहे हो, खत्म हो रहा है। आगे में कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान आसान है, आराम से बनते। तुमको अगर बोला जाए कि 150 नंबर लाना है 200 में से, एसएससी वाले लोग खराब लग रहा है सुनने में, 150 बहुत ज्यादा है ना, तो 50 क्वेश्चन छोड़ने के लिए दिया है ना, तो एक में कौन सा खेत बिक रहा है कि मैं जान दे दिए। अभी एक छोड़ो, 49 और बाकी है, 49 बाकी है, उसमें छोड़ेंगे हम, लेकिन नहीं, यहीं पे जान दे देंगे चाहे कुछ हो जाए। व्हाट द हेल, एकदम फालतू की बात कर रहे हो यार, उसको छोड़ो, उसको इट्स नॉट नीडेड। इनफैक्ट एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, 49 बाकी है, अभी मेरे पास 199 क्वेश्चन है जिसमें से 49 छोड़ना है और अभी। लेकिन ये बात देखने की है ना कि हम अप्रोच कैसे करते हैं, बात इसके इंग्लिश के साइंटिफिक स्टडी की है, बात गेस मारने की नहीं है। एक तरफ पढ़ते हैं हम, मैं आऊंगा यहां पे, आर्टिकल 5 प्रकार का होता है, पहाड़ के पहले द लगता है, नाला के पहले ए लगता है, नली के पहले सी लगता है, यही करके मैं आपका समय खा जाऊंगा। और जिस दिन कॉम्प्रिहेंशन बनाना होगा, बस एक सलाह निकाल के पढ़ो, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। ये तो बाबा गिरी टाइप का नहीं हो गया, ये तो बाबा गिरी। भाई मैं अगर बोलूं कि सबसे बड़ा सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन है 200 में से, उसके बाद क्लोजेस्ट है, तो मेरे को तो सबसे पहले यही करना चाहिए ना। एंड कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है भाई, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब, और बच्चे के पास अंडरस्टैंडिंग है नहीं और वो क्लोजेस्ट बना रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पढ़ के नहीं समझ में आता है, आप उसमें बीच में गायब कर दो तो समझ में आ जाएगा। क्लोजेस्ट में होता क्या है, पैसेज में बीच में एक सेंटेंस गायब है, वर्ड गायब है ना, और जो ऑप्शन दिया हुआ है वो चारों में से कम 2 या 3 बहुत नजदीक का वर्ड है। लड़का बोलेगा हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, अब इसमें से वर्ड हटा दीजिए तो हमको समझ में आ जाएगा। हटाने के बाद तुम पहले कॉम्प्रिहेंशन का सारा क्वेश्चन बना लो, 18-20 मिनट में 6 कॉम्प्रिहेंशन बना के रख दो, उसके बाद क्लोजेस पे हाथ डालो तो अच्छा लगता है, किसी ने कवर अप किया हुआ है,
कॉम्प्रिहेंशन बन नहीं रहा है, क्लोसेस पे हाथ डाले हुआ है, का है छोटा होता है, छोटा होने से आसान हो जाता है ना। तो देखो सबसे छोटा क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग सबसे छोटा, इसे छोटा भी क्वेश्चन मिलेगा, इसे और छोटा, वर्ड मीनिंग तीन लेटर का, एक एक नंबर का, बता दो मीनिंग, बहुत आसान है तो। नहीं ये नहीं आएगा, लेकिन छोटा छोटा पे टारगेट करेंगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा उठा पटक होकर रह गया है। एक चीज अगर तुमको सोचने आता है, और मैं आप ध्यान रखना, मैं अगेन एक चीज की बात कर रहा हूं, राइट नाउ आई इज टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, मैं आपको हाउ टू सॉल्व बता रहा हूं, लेकिन भाई ध्यान रखना कि ये चीज कभी मत छोड़ना, ये बेस है। आदमी बेसिक्स कमजोर करके अपना कोई चीज मजबूत नहीं कर सकता है, और बेसिक्स होता है रीडिंग करना। पहले तुम क्वेश्चंस बना लो, उसके बाद बिना डिक्शनरी लिए हुए लाइन बाय लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। और वर्ड कभी नहीं, अनजान वर्ड आ जाए क्या अंतर पड़ता है, एक वर्ड नहीं आया नहीं आया, मैं सेंटेंस का कम से कम थीम तो समझ लूं। देखो तो जरा, मैं पैसेज पढ़ रहा हूं, व्हाट वन वंडर्स इज द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ इंडियन कल्चर टुडे। एक मिनट, मैं बहुत इसको नॉर्मल, अच्छा एक चीज देखो तो जरा, वन वंडर्स इसको एग्जैक्टली तुमको जो मीनिंग समझ में आ रहा है, क्या लिप क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, दोनों वर्ड का मीनिंग आता है तुमको। दिक्कत यह है ना कि जब दोनों वर्ड एक साथ रखा जाएगा तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा नहीं पता चलेगा, अलग अलग बता देंगे हम। वन का मतलब पर्सन, वंडर का मतलब आश्चर्य करना, लेकिन जब वन वंडर्स लिखा हुआ है तो नहीं पता चलेगा। तुमको बस अपने आप को यह देखना है कि हमको इस सेंटेंस से एक अर्थ निकल रहा है, वो एक मीनिंगफुल अर्थ है, वो अर्थ क्या हो सकता है। और सर अगर बोला जाए कि दूध, चीनी, चावल, काजू वाजू मिला के चोखा बना दो, या ये सब मिला के पिज्जा बना दो, अरे भाई इंग्रेडिएंट अगर वही रहेगा उसमें से, तुम एक मान लो कि तुम काजू हटा दो तो पिज्जा बन जाएगा, चीनी अगर हटा दो तो बनेगा तो खीर ही, फीका खीर रहेगा, सादा खीर होगा, लेकिन रहेगा तो खीर ही कहा जाएगा ना, कि उसको बर्गर कहने लगेंगे कि चीनी नहीं है तो बर्गर हो गया। तो आप एक बात समझो कि अगर दो चार वर्ड भी जो अननोन टाइप का लग रहा है ना हटा भी दोगे तो मीनिंग वही रहेगा, फीका रहे लेकिन मीनिंग वही रहेगा। बात समझे मैं क्यों एग्जांपल दिया, आपको अगर लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर अगर हटा भी दो ना, वन वंडर्स भी हटा दो तो देखो क्या मीनिंग निकल रहा है। व्हाट इज द इंडियन कल्चर टुडे, और इतनी अंग्रेजी किसकी कमजोर है, मैं वो जानना चाहता हूं। यह किसी कमजोर है कि जो मैंने अभी पढ़ा चार पांच वर्ड वो नहीं आता है, वो तो आ रहा है ना, तो पढ़ने नहीं आता है ना, पढ़ने क्यों नहीं आता है, हमको नहीं बताया गया। हमको क्या बताया गया है कि एक एक वर्ड पकड़ पकड़ के, फुल स्टॉप भी, अगर आर्टिकल लगा है तो वो भी, सबको एकदम श्रद्धा भाव से पढ़ो, उसको ट्रांसलेट करो। हद हाल है भाई, समझने के लिए दिया है। आज पूछ रहा है कि आज भारत का इंडियन कल्चर है क्या, उसके आगे में हेमा मालिनी, विविध भारती और मसाला डोसा, माउथ वाटरिंग छोड़ दीजिएगा, वो उसको अगर बनाता, मसाला डोसा है ना, उधर में विविध भारती था, उधर हेमा मालिनी था, उधर मसाला डोसा, बात खत्म हो गई। काहे को हम माउथ वाटरिंग टारगेट करें, डिलेक्टेबल। अब देखना जरा, बस यहीं पर रुक जाएंगे, पहले मीनिंग बताइए। अच्छा एक बार बताइए, यहां से चौराहा जाते हो, जाना है रोड पे, कहीं गड्ढा मिला उसको भर उड़ के जाओगे। अच्छा अगर भरना शुरू करो तो पब्लिक नहीं, पागल आदमी है,
साइड मार के निकल नहीं आते हैं। तुमको जाना है, टारगेट तुम्हारा चौराहा है कि टारगेट गड्ढा बना लिए, और अभी हम लोग यही करते हैं, बीच में एक छोटा सा गड्ढा है डिलेक्टेबल, पहले भरेंगे इसको, पहले इसका मीनिंग निकालेंगे। अरे भाई, सेंटेंस का अर्थ निकालने के लिए दिया है, डिलेक्टेबल का मीनिंग थोड़ी पूछ रहा है तुमसे। पूछा होता तो किसी क्वेश्चन में बोलता कि डिलेक्टेबल का सिनोनिम एंटोनिम दो तो निकालते, लेकिन हमको पता नहीं। तुम अब रियलाइज करो कि 12 साल 10 साल तुम उसे कराया क्या गया है, वही गड्ढा भरवाया गया, और इतना गड्ढा है अपने बिहार में कि खत्म ही नहीं हुआ ना अभी तक। चलो आ गया, डिलेक्टेबल एज दीज में भी हटा के फेंकेंगे इसको, नहीं कुछ समझ में आ रहा है। वो ठीक था, दीज समझ में आ रहा है, मे समझ में आ रहा है, मे का मतलब संभावना बताने के लिए। अब लगेंगे यहां पे ग्रामर पढ़ने, कुछ नहीं करेंगे, अभी अंतिम तक जाएंगे। अच्छा एक बार बताइए, सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, व्हाट डू मीन बाय सेंटेंस, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। सर अभी अभी वो फिलहाल वाला छोड़ दीजिए, मैं भी भूल गया हूं, तुम भी थोड़े दिन भूल जाओ, अभी भर भर वाला अभी बोल जाओ, अभी बोल जाओ, फिर आएंगे हम लोग ग्रामर पे। सेंटेंस को पहचानना ऐसे ही ना, कैपिटल से शुरू होता है और पंक्चुएशन मार्क में खत्म होता है, यही सेंटेंस। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तब ना अर्थ निकलेगा। अच्छा, गाना गाते हैं तो उसमें कहां रुकना है, कहां पे सांस लेना है, कहां पे छोड़ना है, जगह बना हुआ है ना। कि ऐसे होता है कि हम चार वर्ड वो गा दिए तो बजाते रहे, हम हाँफ रहे हैं, थोड़ा देर बाद सांस ठीक होगा तो फिर गाएंगे, तो पागलपन है यार। पूरा सेंटेंस पढ़ लो ना, समझ में आ जाएगा। बीच में चार वर्ड के बाद रुक गए, पहले मेरे को अर्थ बताइए इसका, ये तो बीच में रुक के हाँफने वाला बात, हाँफने वाली बात हो गई। सामने देखो क्या लिखा हुआ है, डिलेक्टेबल एज दीज में भी, छोड़िए, ईच येल्स प्राइड ऑफ प्लेस टू दैट फॉल्स, और फॉल्स के बाद वो नोट ऑफ इंटरोगेशन मत टारगेट करो। अब देखो, फॉल्स सिंबल ऑफ अ न्यू एरा, ये समझ में आ रहा है, इस नए युग का एक फॉल्स सिंबल सोचना है देख के, एंड दैट इज द सिंथेटिक फाइबर, ये हमारे नए युग का एक सिंबल बन गया है सिंथेटिक फाइबर। आगे, In less than 20 years, the nylon sari and the terlin shirt have swept the countryside. Sweep का मतलब निकालो तो झाड़ू मारना होता है। और countryside में country अलग से पता है, side अलग से पता है, दोनों को मिला तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे तो ज्यादा निकाल देंगे तो मतलब देश के बगल में, country के side में। काहे को करना क्या है इसका, ये तो मतलब अजीबोगरीब बात है, पढ़ने के लिए दिया गया, लड़का पता नहीं क्या कर रहा है कंट्री साइड में से, नहीं पता है कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। अभी मत लिखिएगा, पेन मत चलाइए, छोड़ दीजिए, आज तक बहुत चल गया है। काहे को हम पढ़े, हम देखना जरा, नायलॉन साड़ी टेरलिन शर्ट दिखाई पड़ रहा है ना, बस काम हो गया, उतने में तुम्हारा आइडिया रह जाएगा। Penetrated the farthest corners of the land and persuaded every common man, woman and child that the key to success in the present day world lies in artificial fibers. यहां तक देखो तो जरा समझ में आया कि नहीं, वो सब उधर का नहीं, penetrated countryside कुछ नहीं, आज के दुनिया में key to success lies in आर्टिफिशियल फाइबर, ग्लास नाइलॉन, क्रेप नाइलॉन, टेरी मिक्सेस, पॉलिएस्टर्स एंड व्हाट यू हैव, व्हाट हैव यू। समझ में आया सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात कर रहा है, टॉपिक सेम है, कंटिन्यू रखते हैं। अब अगर आपके पास, जानते हो पढ़ने में कहां दिक्कत होती है, दैट यू गो इन डिटेल्स, बात समझ रहे हो, एक एक चीज के डिटेलिंग में आपको जाना है, एंड दैट यू हैव बीन टॉट व्हाइल यू आर रीडिंग लाइक अ नॉविस। तुम एक शुरुआती बच्चे की तरह पढ़ रहे हो और तुमको शुरुआत से बताया गया कि गो इन डिटेल्स, लुक एट एवरी वर्ड,
जानते हो नहीं जानते हो, नहीं जानते हो फॉर्मूला बहुत सिंपल था, कंसल्ट द डिक्शनरी। बट व्हाट अबाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर? देखो जरा मेरे को बता दो, ही वुड हैव हैड टू एक्सेप्ट दिस। लड़के को मीनिंग आराम से लिखा दिखाई पड़ रहा है, मीनिंग आराम समझ में आ रहा है, लेकिन वो करेगा क्या? वुड हैव हैड का क्या मीनिंग है? ये तो पढ़ने में खराब लग रहा है। तुमको सारा स्ट्रक्चर पता हो गया है कि तुमको खराब लगे तो दिक्कत हो जाती है तुमको? भाई सिंपल है, दिखाई पड़ रहा है कि उसे एक्सेप्ट करना पड़ा, करना हो, करना पड़ता है इत्यादि, जो भी तुम हिंदी में समझ रहे हो। इसका क्यों? तुम मेरे को ये सेंटेंस दोगे ना, चाहे अंग्रेजी का कोई भी जानकार आदमी हो, थोड़ा जानकार का मतलब सेंसिटिव, उसको दोगे ना तो ही वुड आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट फॉर यू आर गिविंग मी? तुम मेरे को क्यों ये सेंटेंस दे रहे हो, कारण क्या है? अगर ग्रामर है तो इसका मीनिंग किनारे, अगर मीनिंग है तो ग्रामर किनारे, अर्थ है अर्थ अपने हिसाब से निकालेंगे, ग्रामर है मैं देखूंगा कि इसका रूल मेरे को पता है कि नहीं पता है। लेकिन हम लोगों को कहां पे लाइन ऑफ डिमार्केशन है, कहां पे ग्रामर है, कहां पे मीनिंग है, कहां पे वर्ड है, सब हटा दिया गया, सब मिला के झालमुड़ी बना दिया गया है। पढ़ने के लिए दो ग्रामर छिक करेगा, ग्रामर का क्वेश्चन दो पढ़ के समझने लगेगा। कॉमन एरर कैसे बनाते हो? समझ समझ के ना, तभी ना कहीं पे खराब लगता है। खराब ग्रामर नहीं लगता है, समझने में थोड़ा अटपटा लगता है, यही ना। एकदम दीपक अलग अलग करके रख दिया गया, सब में एक साथ पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, वर्ड मीनिंग पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग पढ़ो, और सबको ऐसा मिला लो ना कि 12 साल में कुछ नहीं हो। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने एक शॉर्ट सा तरीका बताया आपको का हाउ टू रीड कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन को तुमको पढ़ना नहीं छोड़ना है एक बार भी, याद रखिएगा, रीडिंग बेस है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तुम्हारा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने के दिया जाए ना तो किनारे। क्वेश्चन बनाने का मतलब गो थ्रू द सेंटेंसेस, तुम सिंपली क्वेश्चंस पे जाओ और क्वेश्चंस में आपस में कनेक्शन देखने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चंस अगर एक एक कॉम्प्रिहेंशन से है तो क्वेश्चंस का आपस में कनेक्शन होगा। और बस स्टार्ट थिंकिंग, यू विल गेट दैट। और सर वो जो मैंने टेक्निक बताया ना उसका यूज कीजिएगा, यूज करके देखिए क्या ये होता है या नहीं होता है। चलो भाई थैंक यू सब।